चलिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ठीक है ध्यान देना सब तो आ, दो चीज़ों का हमने कहा था नॉलेज का हमारे को यूज़ होगा सबसे पहले आपके पास द नॉलेज ऑफ वॉट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द लेवरेज दोनों हम देख चुके हैं तो ये प्रेज था हमारा <coughs> हमने कहा था ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर अल्टीमेटली वी हैव टू क्रिएट है ना और इसको क्रिएट करते वक्त हमारे को तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं रखना होता है वी विल सी दैट कैपिटल स्ट्रक्चर uh, का मतलब हमने कहा था कि क्या कंपोजिशन होता है सपोज यू हैव यू हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस तो आपका जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उस रिक्वायर्ड अमाउंट में से आप किस सोर्सेज से पैसे को लाओगे है ना उसी को हम फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं और फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब ही होता है डिसाइड करना है किसको कैपिटल स्ट्रक्चर को अब इसमें कुछ uh, जो मेजर टॉपिक्स हैं उसको हमने यहाँ लिस्ट किया था हालाँकि प्राइमरीली थेरी ही पढ़ना है बट मैंने सबको सेपरेटली आपको मेंशन किया था कि कॉन्सेप्ट है थीरीज़ हैं ट्रेड ऑफ है पैकिंग है और ई बी आई टी ई पी एस एनालिसिस ठीक है ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा शुरू में राइट सो एंड वी हैव अ सर्टेन अप्रोच टू स्टडी जो थियरीज़ हैं सबसे पहला थियरी है एन अप्रोच फिर है ट्रेडिशनल अप्रोच फिर है एन अप्रोच फिर है एम अप्रोच एम अप्रोच दो तरह से विद टैक्स है और विदाउट टैक्स है तो टोटल कितने हो गए हमारे पास पाँच थीरीज हो गई सो पाँच थीयरीज को हमें क्या करना था देखना था तो अच्छा ये सब जब हम सोर्सेज ऑफ़ फंड को डिसाइड करते हैं तो हमने कहा था कि इक्विटी शेयर कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर है तो इसके जो फैक्ट्स हैं ना वो ऑलरेडी हम जानते हैं हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में कि किसका कॉस्ट कंट्रोल और रिस्क किस में क्या होता है राइट तो वी ऑलरेडी नो दैट तो इसी को हमने क्या किया था एक बार यहाँ देखा था फंडामेंटल था जो हमें देखना ही था ऑब्जेक्टिव क्या है हमें वैल्यू ऑफ़ फॉर्म को मैक्सिमाइज़ करना है इसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल को मिनिमाइज़ करना होगा और प्रिजर्व करना होगा एग्जिस्टिंग मेजोरिटी शेयर होल्डिंग ताकि जो ओनर है उसके राइट्स खत्म ना हो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन डील्स इन अमाउंट सोर्स एंड मिक्स सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे को क्या अमाउंट की जरूरत थी उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं सोर्सेज को डेटा एंड इक्विटी को और फिर रिलेटिव uh, प्रपोर्शन को डिसाइड करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमें क्या करना है रिलेटिव प्रपोर्शन uh, को डिसाइड करना है ठीक है सो वैल्यू ऑफ फॉर्म की अगर हम बात करें तो हमने कहा वैल्यू ऑफ फॉर्म इज बेसिकली वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी वी टॉक अबाउट वट मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इसी को हमने कहा था वी एफ इज इकल टू डी प्लस एस या एस का मतलब है शेयर कैपिटल तो अपन ई लिखते हैं तो वो भी चलेगा क्योंकि तो हम मान के चले कि इक्विटी में सब कुछ है एस तो लिखने की हमारे को जरूरत नहीं है तो अगर ई लिख के चलते हो आप तो ये भी चलेगा डी प्लस ई लिखो या डी प्लस एस लिखो वट एवर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है एस डी है आपका मार्केट वैल्यू ऑफ डेट वी है वैल्यू ऑफ फॉर्म तो वैल्यू ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू डी प्लस एस ध्यान में रखना है फर्दर जाते हैं वैल्यू ऑफ फॉर्म इज ई बी आई टी अपन के ओ वट इज के ओ दिस इज आर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना तो ई वी को हमने के से डिवाइड किया क्या मिल गया हमारे को वैल्यू ऑफ फॉर्म इसको याद रखना बार बार यूज करेंगे राइट के ओ इज डब्ल्यू एंड एन वी एफ इज वैल्यू ऑफ फॉर्म वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वाट एन आई अपन के ई तो ये हमारा क्या हो गया वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गया कैसे निकलता है वो हमने सीखा था वैसे उस पर अब हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे और फिर हमने एक दो प्रॉब्लम किया था और ऑप्टीमल uh, कैसे कैलकुलेट होता है हालांकि हम इसको आज दोबारा करोगे आप लोग अब आज ये ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में यहां से हमने थेरी को स्टार्ट किया था तो एन uh, आई दो तरह के थेरीज होते हैं रेलिवेंस एंड इ रेलिवेंस कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर आपके वैल्यू ऑफ फॉर्म को इंपैक्ट नहीं करता और रेलिवेंस कहता है कि इम्पैक्ट करेगा अब रिलेवेंस में हमारे पास है एन अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मोदी यानी मिलर अप्रोच मोदी लिया मिलर अप्रोच नाइन सिक्सटी टैक्स जो है वो आप रेलिवेंस के साइड में डालते हैं विदाउट टैक्स वाला जो अप्रोच है वो आप किधर डालते हैं साइड में, है। में हमने कहा था कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी में दो एक्सट्रीम है एक कह रहा है कि रेलिवेंट नहीं है एक कह रहा है कि रेलिवेंट है दोनों बिल्कुल अलग हो गया ना एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ so, पोल है कि रेलिवेंट नहीं है और एन अप्रोच रेलिवेंट है और एनओवाइ अप्रोच कहता है कि रेलिवेंट नहीं है दोनों को किसने दिया था बीच में आता है ट्रेडिशनल वो दोनों के दिल रखने वाली बात करते हैं तो ये क्या करता है दोनों को कॉम्पनसेट कर रहा होता है और यही हमने एडजस्टमेंट बताया था कि एमएम MM अप्रोच क्या करता है इसको एडजस्ट कर देता है, तो MM है ना वो एनओआई को सपोर्ट करता है टेक्निकली आप देखोगे तो और इसमें कुछ क्या होते हैं कुछ चेंजेस होते हैं कुछ जस्टिफिकेशन होता है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे ठीक है कैपिटल स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था दो टाइप ऑफ फंड एंड इक्विटी टोटल होगा Given होगा एल कैन बी चेंज बाई सेलिंग डेट टू परचेज शेयर और सेलिंग शेयर टू रिटायर डेट है ना डेट बेचा पैसे आए क्या खरीदा शेयर खरीदा या शेयर बेचा और डेट को पे कर दिया रिटायर कर दिया मतलब पे कर दिया कोई टैक्स नहीं है नो टैक्स डिविडेंड पे आउट रेशियो हंड्रेड परसेंट टोटल फाइनेंसिंग कांस्टेंट कांस्टेंट बिजनेस रिस्क एंड फॉर्म एज पर बेसिक साज ऑप्शन है एनओ आई तो स्टार्ट विद द सेकेंड मेथड है ना सेकेंड थियोरी जो कहता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ठीक है अब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कहता है सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो थियरी है ये थियोरी कहता है दिस इज द कैपिटल स्ट्रक्चर इ रेलिवेंस थियोरी किस तरह का थियोरी है ये इ e रेलीवेंस है ये कहता है कि कोई रेलिवेंस नहीं है है ना आप क्या डेट रखते हो क्या इक्विटी रखते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि एन का मतलब क्या हुआ एन uh, ओ का मतलब क्या हुआ नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या हुआ वट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है सीधा सीधा ई है ना हम ई e अप्रोच बेसिकली देख रहे हैं अगर देखा जाए तो सो so, एनो अप्रोच कह रहा है कि आ, ये इरेलीवेंस थ्योरी है ये कहता है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से आपके वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा देखो ऐसा क्यों कहता है ये हम क्या कहते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में हम ऐसा कह रहे होते हैं कि अगर हमने लेवरेज को बढ़ाया ठीक है अगर हमने लेवरेज को बढ़ाया तो लेवरेज को बढ़ाने का इम्पैक्ट हमारे को हमारे वैल्यू पे नहीं होगा लेवरेज को बढ़ाने का इंपैक्ट हमारे वैल्यू पे नहीं होगा ऐसा ये क्यों कह रहे हैं इनका कहना है कि अगर हम लेवरेज को बढ़ाते हैं इसका मतलब लेवरेज को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ हम डी रेशियो को बढ़ाते हैं अब ध्यान से समझते चलो सब हम किसको बढ़ा रहे हैं डी रेशियो को डी रेशियो को बढ़ाने का मतलब अलग क्या हुआ कि हम हम डेट के पोर्शन को क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं राइट right? तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहता है कि अगर आप डेट के पोर्शन को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो ऐसा आपको फील होगा मतलब ऐसा सोचना चाहिए हमें कि अगर हम डेट को बढ़ाते हैं तो डेट क्या है चीपर आ, चीपर फंड है या सनो डेट क्या है मेरा चीपर फंड है अगर ये चीपर फंड है तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए बट ऐसा होगा नहीं ऐसा क्यों नहीं होगा इसका सीधा सा तरीका जो यहाँ बताया गया है उस पर गौर करो हम कहते हैं कि अगर हम डी रेशियो को बढ़ाते हैं अगर हम डी ए रेशियो को बढ़ाते हैं इसका मतलब हम लेवरेज को बढ़ा रहे हैं एक ही बात है दोनों का मतलब अगर हम लेवरेज या डी ए रेशियो को बढ़ाते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल चार्जेज हैं अब बताओ मेरे को एक बात कि जो फाइनेंशियल चार्जेज हैं तो क्या आता है डेट के साथ क्या आता है फिक्स लाइबिलिटी डेट के साथ क्या आता है फिक्स लाइबिलिटी और इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हम डेट के पोर्शन को बढ़ाएंगे तो फिक्स लाइबिलिटी भी उतना बढ़ेगा और फिक्स लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब कि हमारा रिस्क क्या होगा बढ़ेगा या घटेगा बढ़ेगा रिस्क क्या होगा इंक्रीज होगा होगा ना अगर रिस्क इंक्रीज होगा तो इसका इंपैक्ट इक्विटी शेयर होल्डर पे क्या होगा टेल में इसका इंपैक्ट इक्विटी शेयर होल्डर पर क्या होगा अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन की बात करूं अगर मैं कहूँ कि जो शेयर होल्डर्स है उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो सीधा सीधा किसके साथ रिलेट करती है कि बिजनेस कितना रिस्क ले रहा है अगर बिजनेस का रिस्क बढ़ा तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी क्या होंगी बढ़ेंगी इजन इट ऑबियस तो हम कहते हैं हां सर ऐसा होगा और यहां देखो सेम हो रहा है आपका फाइनेंशियल रिस्क क्या हो रहा है बढ़ रहा है क्यों फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है क्योंकि हम किसके पोर्शन को बढ़ा रहे हैं हम डेट के पोर्शन को बढ़ा रहे हैं हम लेवरेज को बढ़ा रहे हैं डेट के पोर्शन को बढ़ा रहे हैं फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा अगर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा तो एक्सपेक्टेशन जो है एक्सपेक्टेशन जो है शेयर होल्डर्स की दैट विल इंक्रीज और अगर शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस बढ़े इसका मतलब के क्या होगा बढ़ेगा तो सस्ता डेट लगा के आप जितना फायदा निकालोगे ना उतना आपको यहां से क्या होगा देना पड़ जाएगा और यही रीजन है कि आप क्या बोलोगे जो अल्टीमेटली अगर आप टोटल इफेक्ट देखोगे तो इसका वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं होता नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ फॉर्म वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि के केई क्या कर देता है उसको ऑफसेट कर देता है क्या करेगा के केई क्या करेगा ऑफसेट कर देगा तो जो भी बेनिफिट आप निकाल सकते हो डेट से उतना कॉस्ट आपका बढ़ा देगा कौन इक्विटी सो so, ये क्या कह रहा है इससे क्या पता चल रहा है एक बार बताओ मेरे को आप कह रहे हो ना सर फिर इसका मतलब क्या हो गया ये कह रहा है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता वैल्यू ऑफ फॉर्म पे आपके मार्केट प्राइस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आपने कितना डेट डेट रखा कितना रखा है है कितना इक्विटी इक्विटी इसका मतलब में डिवाइड करने का भी कोई तुखी नहीं है है ना दैट्स टोटली वट मीनिंगलेस हम कहते हैं डेट इक्विटी को करने की कोई आवश्यकता नहीं है आप, आप एक को बढ़ाओगे दूसरा उसे क्या कर देगा सेट ऑफ कर देगा ये कहता है आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ठीक है सो यहां तक क्लियर है अब देखो क्या हो रहा है हम कहते हैं सर इस अप्रोच में हम देखते हैं कि के डी क्या रहता है मेरा कॉन्स्टेंट रहता है के डी क्या रहता है मेरा कॉन्स्टेंट रहता है और मेरा के ओ भी क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि एक बात ध्यान में रखना अगर के ओ फ्लक्चुएट कर गया अगर के ओ फ्लक्चुएट कर गया तब तो दिक्कत है क्या दिक्कत है के ओ फ्लक्चुएट करने का मतलब है कि हमारा वैल्यू ऑफ फॉर्म भी क्या करेगा फ्लक्चुएट कर जाएगा करेगा ना के ओ क्या होता है कांस्टेंट कांस्टेंट होता 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 है होता है होता है है क्या आपका वेरिएशन आता में के में।, के में और जैसे जैसे डेट के पोर्शन को बढ़ाते हैं हमारा केई क्या होता है बढ़ने लगता है क्यों बढ़ने लगता है क्योंकि रिस्क क्या हो रहा होता है इंक्रीज हो रहा होता है और शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंगली क्या होते हैं बढ़, बढ़ना शुरू हो जाता है तो जाहिर सी बात है आपका के क्या होगा? के ई इंक्रीज़ होगा और ये जो इंक्रीज है ये डेट के बेनिफिट को क्या कर दे रहा है कंपनसेट कर दे रहा है दैट इज़ वाई इट सेज दैट कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है वो रेलोवेंट है इससे आपके वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जरा देखो के डी एंड के ओ क्या है कॉन्स्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि हमने लेवरेज बढ़ाया लेवरेज बढ़ाने का असर क्या हमारे के ओ पे हुआ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे नहीं हुआ अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे अफेक्ट नहीं हुआ तो वैल्यू ऑफ फॉर्म पे भी अफेक्ट नहीं होगा दिस इज वॉट सेट बाय द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ठीक है तो जरा ध्यान दो इसका मतलब क्या हुआ गौर करिए ठीक है इज इक्वल टू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करें तो आप क्या कहते हैं के इज इक्वल टू के डी मल्टीप्लाई टू डी अपन डी प्लस ई ई इक्विटी रख लेते हैं ठीक है प्लस ए मल्टीप्लाइड टू ई अपन डी प्लस ई आ गया ना राइट सो दिस इज दिस इज माई द इक्वेशन ऑफ वॉट द के ओ यहीं से निकलता है ओवरऑल कॉस्ट अब जरा गौर करो हम क्या कह रहे हैं हम यहाँ ये यह कह रहे हैं कि के ओ एंड के डी आर कॉन्स्टेंट के ओ आर के डी क्या है मेरा कॉन्स्टेंट है के ओ आर के डी कॉन्स्टेंट है क्या क्या यहाँ चेंज होने वाला है के ई तो हाउ कैन वी कैलकुलेट के ई फ्रॉम दिस तो अगर मेरे को के ई कैलकुलेट करना है तो हम फर्दर आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या हो गया ये प्लस इक्वल टू ठीक है के डी को इस तरफ कर लो के ओ माइनस के डी डी अपन डी प्लस ई ठीक है आगे बढ़िए और क्या हो सकता है बताओ अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं आ uh, इसको हम डी प्लस ई अपन ई से मल्टीप्लाई कर दो सबको तो के ई ई अपन डी प्लस ई मल्टीप्लाई टू डी प्लस ई अपन ई इज इक्वल टू के ई डी प्लस ई अपन ई माइनस के डी डी अपन डी प्लस ई मल्टीप्लाई टू प्लस ई अपन ई ठीक है फर्दर रिड्यूस करो जरा इक्वेशन को यहां तक क्लियर है <coughs> तो ये कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया के इज इक्वल्स टू के ओ टी प्लस ई अपन ई माइनस के डी डी अपन ई आ गया ना बताओ फर्दर हम क्या करें के ई इज इक्वल टू अच्छा डी प्लस ई अपन ई को हम डी अपन ई प्लस वन लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना डी प्लस ई अपन ई को हम क्या लिख सकते हैं डी अपन ई प्लस वन नो लिख सकते हैं ना तो हमने कहा के ओ डी अपन ई प्लस वन माइनस के डी डी अपन ई आ गया आ गया ना अब चलो अब हम क्या करते हैं के ई इज इक्वल टू अब इसको भी सॉल्व करने की क्या जरूरत है हमें सो के ओ डी अपन ई प्लस के ओ हो जाएगा ना के ओ डी अपन ई प्लस के ओ माइनस के डी डी अपन ई तो क्या फाइनल फॉर्मूला मिलेगा हमारे को बताइए के ई इज इक्वल टू अब देखो के ओ के डी डी अपन ई जिसमें कॉमन है दोनों को उठा लो इसको और इसको वाले को यानी कि के डी प्लस के ओ माइनस है के डी माइनस के ओ तो क्या हो गया के ओ प्लस के डी माइनस के ओ उल्टा के ओ माइनस के डी होगा ना के ओ प्लस के ओ माइनस के डी

माइनस के डी डी अपन क्या निकल के आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी डन सो दिस 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 इज 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 द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ऑल अबाउट है ना इक्विटीटिंग जरा गौर करो आप देखो क्या हुआ मैं आपको समराइज कर रहा हूं ये फॉर्मूला क्लियर है ना सबको <coughs> अब मैं आपको समराइज कर रहा हूं फिर से देखो एक बार हमने कहा कि सर हमारे पास दो एक्सट्रीम है हमने कहा हमारे पास दो एक्सट्रीम है एक था मेरा एन अप्रोच एक क्या था मेरा एन अप्रोच और दूसरा था मेरा एन अप्रोच अब जरा दोनों को गौर करो आप एक साथ दोनों को देखो ध्यान से एन अप्रोच क्या कहता है ये कहता है कि आपका वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़ेगा कैसे जैसे आप लेवरेज को बढ़ाओगे आपका वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या होगा बढ़ेगा ये कह रहा है कि लेवरेज बढ़ाने से लेवरेज को बढ़ाने से आपका वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या होगा बढ़ेगा अप्रोच कहता है जी नहीं ऐसा नहीं होगा एनओ अप्रोच कहता है कि लेवरेज के बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब है ये इनडिफर ये इनडिफरेंट है? है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू ऑफ फॉर्म पे फर्क नहीं पड़ेगा आपके लेवरेज के बढ़ाने से अब जरा गौर करो इसका मतलब क्या हुआ एनआई अप्रोच क्या, क्या कह रहा है अगर हम इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें तो क्या कैसा देखेगा ये देखो एनआई अप्रोच क्या कह रहा है ये अगर मेरा डी ई रेशियो है डेडिकेटी और ये मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो ये क्या कहता है कि अगर आपने अपने अपने के डी को बढ़ाया ठीक है अगर आपने अपने के डी को बढ़ाया आपका के ई क्या है कॉन्स्टेंट है के डी क्या है कॉन्स्टेंट है तो ये दोनों क्या है कॉन्स्टेंट है

अब ये क्या कहता है कि जैसे जैसे अब अपना डी बढ़ाओगे यानी कि अपने लेवरेज को बढ़ाओगे तो यहां आपको तो कुछ अलग तरह का इंपैक्ट दिखाई देगा तो ये कहता है कि हमारा जो के था के डी इज वॉट कॉन्स्टेंट के क्या था कॉन्स्टेंट ये कहता है कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या रहने वाला है कॉन्स्टेंट रहने वाला है तो ये हो गया आपका के अब हमने पूछा कैसे रह जाएगा कांस्टेंट ये कहता है इसीलिए कांस्टेंट रह जाएगा कि जो आप डेट से जो फायदा ले रहे हो ना उस फायदे को मारेगा कौन इक्विटी मार देगा क्योंकि तो डेट बढ़ाने से क्या हो रहा है आपका आपका रिस्क क्या हो रहा है बढ़ रहा है और जब जो रिस्क बढ़ेगा तो इक्विटी होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन क्या होंगे बढ़ेंगे आपका केई क्या होगा बढ़ेगा तो ये क्या है क्या कह रहा है केई बढ़ेगा तो हम कहते हैं सर देखो बड़ा बवाल है यार एनाई अप्रोच कह रहा है कि के घटेगा अप्रोच कह रहा है कि के क्या होगा बढ़ जाएगा ठीक है अब इन दोनों का सोल्यूशन लेके आया था बीच वाला अप्रोच एम एम नी ट्रेडिशनल अप्रोच ट्रेडिशनल क्या कहता है कि ना इसकी सुनो ना इसकी सुनो अरे मेरी सुनो ये ये दोनों के दिल रखने वाली बात कर रहा है ट्रेडिशनल क्या कह रहा है अब जरा गौर करो ट्रेडिशनल कहता है ऐसे नहीं होता अभी हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल को उस समय और ज्यादा क्लैरिटी आएगी बट मैं चाहता हूं तीनों थीरियो को आप एक साथ दिमाग में रखो ट्रेडिशनल क्या कहता है ट्रेडिशनल ये कहता है कि अगर आप अपने डेट को बढ़ाते हो ठीक है इसको अगर आप इंक्रीज करते हो तो उस समय आपको एक अलग तरह का रिलेशनशिप दिखाई देगा ये कहता है कि जैसे जैसे डेट को बढ़ाओगे डेट का कॉस्ट भी एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद बढ़ेगा एक सर्टेन पॉइंट के बाद डेट का कॉस्ट क्या होगा आपका बढ़ेगा शुरू में तो कॉन्स्टेंट रहेगा लेकिन धीरे 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 आपको डेट का क्या होगा बढ़ता हुआ दिखाई देगा सो so इस तरह से आपका के बिहेव करेगा राइट right? साथ ही ये कहता है कि जब आप डेट को बढ़ाते हैं तो रिस्क क्या होता है बढ़ता है है बढ़ता बढ़ता और जब रिस्क बढ़ता है, तो केई क्या होगा बढ़ेगा तो ये अप्रोच कहता है कि शुरू में तो के धीरे धीरे बढ़ेगा बट बढ़ फिर उसके बाद क्या होगा शार्प प्राइज आपको केई में देखने को मिलेगा तो ये आपका क्या हो गया केई हो गया केई भी बढ़ा और डी और के के इफेक्ट से क्या होगा इनिशियली शुरू में आपको आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटता हुआ दिखाई देगा बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ये क्या होता है ये बढ़ता है ये ये बढ़ता हो गया मेरा के और फिर ये कहता है ये जो मिनिमम आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जहां था यही है ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यही मेरा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है ये मेरा क्या है ये मेरा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कहां आ गया आपके ट्रेडिशनल में तो ये यह यहां हम बात करते हैं किसकी ये मेरा है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर तो हम कहते हैं सर ये तो डूरेंट साहब ने बवाल कर दिया ना भाई क्या सुने हम हम किसकी सुने बताओ किसकी सुने एन की एनओआई की या ट्रेडिशनल की और ऐसा क्यों हो रहा है हमने कहा ऐसा इसलिए हो रहा है सर क्योंकि उन्होंने मार्केट कंडीशन को पूरी तरह से क्या कर रखा है इग्नोर कर है है ना किसकी सुनोगे हम कहेंगे हम किसी की नहीं सुनेंगे सुनेंगे क्या डूरेंट साहब को नोबेल प्राइज देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए ना क्यों नहीं देना चाहिए कि बड़ा कंफ्यूजिंग है है ना ये सारे के सारे थियरीज क्या थे अकाउंटिंग बेस्ड थियरीज थे, ना? एकाउंटिंग बेस थे। है ना अकाउंटिंग बेस्ड थियरीज थे ओल्ड इकोनॉमिक्स कहते हैं इसको और हम इनमें से किसी को फॉलो नहीं करने जा रहे हम फॉलो करेंगे किसको एमएम को देखो हुआ क्या सबके सब क्या थे अकाउंटिंग बेस्ड थियरीज थे ओल्ड इकोनॉमिक्स था और इनका करेक्शन आप कह सकते हैं इनका करेक्शन दिया था मोदी लियानी मिलर ने जो हमारा अगला अप्रोच है और एमएम MM अप्रोच जो है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन वॉट मैथ्स इसका जो डिडक्शन है एम MM एम का दैट डिडक्शन इज बेसिकली गिव्स यू द रियल डायरेक्शन और इस काम के लिए मोदी मोदी लियानी मिलर को क्या मिला था नोबेल प्राइज मिला था अब आप समझ सकते हैं कि आपके लिए सबसे रिलेवेंट मॉडल कौन सा होने जा रहा है एम MM अप्रोच ही सबसे रिलेवेंट मॉडल है और इसी को हम क्या करते हैं फॉलो करते हैं बिकॉज ये ज्यादा एक्यूरेट है और जो एन का जो लिमिटेशन है उसको डील कर देता है एमएम वॉइस ऑफ यस या तो जरा एक बात बताओ मेरे को जरा ध्यान दो इले छोड़ो अभी अब देखो ई जो है ई है आपका एक लाख ठीक है बी है आपका एक लाख टोटल फंड रिक्वायर्ड जो है टोटल फंड रिक्वायर्ड दैट इज रुपीज टेन लैक्स मान लो टोटल फंड रिक्वायर्ड कितना है दस लाख है ठीक है <coughs> आपका जो के डी है के डी इज कॉन्स्टेंट तो के डी जो है वो मान लो टेन परसेंट का है के डी कितना है टेन परसेंट है और हमारा के ओ भी क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है तो जो केवो है दैट इज मान लो 8% का है क्योंकि आपको जरूरत भी नहीं है छोड़ दो इसको ये डाटा मैं दूंगा ही नहीं ठीक है टोटल फंड रिक्वायर्ड कितने हैं 10 लाख केडी कितना है 10% ईबीआईटी कितना है एक लाख ठीक है अब जरा देखो अलग-अलग डी रेशियो पे क्या होगा अलग-अलग डेट कंपोजिशन पे क्या होगा ठीक है तो हम आ, हम कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हैं एनओआई अलग अलग डेट कॉम्बिनेशन ले लो ठीक है एक आ, पहला ले लो डेट को बढ़ाते हैं तो पहले ले, ले लेते हैं तीन लाख डेट सात लाख इक्विटी फी टू सेवन हो गया अब एक काम करते हैं डेट को बढ़ाते हैं दूसरा ले, ले लेते हैं पांच लाख डेट और पांच लाख इक्विटी और बढ़ाओ तीसरा लेते हैं सात लाख डेट तीन लाख इक्विटी है ना तीन रेशियोज पे रखो इन तीन रेशियोज पे जरा देखिए आप कि केई पर क्या इफेक्ट होता है हमारा टारगेट है ये देखना कि हम एन ओ अप्रोच में ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम डेट के पोर्शन को बढ़ाते हैं हमारा केई क्या होना चाहिए शूट होना चाहिए बढ़ना चाहिए है ना सो लेट्स सॉल्व इट इसको सॉल्व करो तो जरा नहीं है ना कोई एक डेटा देना होगा ना तो मैंने के वो दे दिया फिफ्टीन परसेंट कोई एक डेटा तो चाहिए ना हमारे को इसको सॉल्व करो है ना इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ज़रा गौर करिए हमने क्या कहा मेरा ई कितना है ई कितना है एक लाख तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास तीन रेशियोज़ हैं ना तो हमारे पास क्या क्या डी रेशियोज़ हैं पहला रेशियो कितना है थ्री इज टू सेवन का थ्री इज टू सेवन का मतलब क्या हुआ वालक डेट कितना है मेरे पास तीन लाख और इक्विटी कितना है मेरे पास सेवन लैक्स दूसरा क्या है मेरा फाइव इज टू फाइव का इसका मतलब क्या हो गया डेट कितना है मेरे पास फाइव लैक्स और इक्विटी कितना है फाइव लैक्स तीसरा हमारे पास है का इसका मतलब डेट कितना हो गया और इक्विटी कितना हो गया है ना आपका पेन साथ साथ चलते रहना चाहिए देखने से कभी भी आपके दिमाग में सेट नहीं होगा वो तत्काल हम गलत फहमी पाल लेते हैं कि हमें याद हो गया है ना आ जाओबीआई e कितना ई e है मेरा एक लाख तीनों सिचुएशन में ई e क्या है सेम है तो ई e मेरा एक लाख है तो हमने कह दिया ये रहा हमारा क्या ई बी आई टी ओके नाउ सी दिस इंटरेस्ट के डी दे रखा है इन्होंने कितना परसेंट टेन परसेंट तो हम क्या कहते हैं से क्या करेंगे लेस इंटरेस्ट अब जरा गौर करो इंटरेस्ट कितना लगेगा डेट कितना है तीन लाख का टेन परसेंट मतलब थर्टी थाउजेंड इधर कितना हो गया फिफ्टी थाउजेंड और इधर हो गया कितना मेरे पास सेवेंटी थाउजेंड अब जरा गौर करो इसका मतलब अब हमारे पास ई कितना हो गया सेवेंटी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड एंड थर्टी थाउजेंड यह मेरा क्या हो गया ई हो गया दिस इज माई ई अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ डेट की कितना वैल्यू ऑफ डेट हो है मेरे पास वैल्यू ऑफ डेट कितना है केव कितना है फिफ्टीन परसेंट के ओ कितना है फिफ्टीन परसेंट एप्लीकेबल टू ऑल ठीक है और अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं अब अगर मैं यहां कैलकुलेट करना चाहूं वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ इक्विटी दो चीजें हैं देखो जरा अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं वैल्यू ऑफ इक्विटी तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं कैलकुलेट कर लू वैल्यू ऑफ फॉर्म वैल्यू ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू क्या होगा डी प्लस ई वट इज वैल्यू ऑफ फॉर्म वट इज वैल्यू ऑफ फॉर्म तो देखो इसलिए कहता हूँ पेन यूज करो आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा कैसे सॉल्व करोगे ईबीआईटी e वी अपन के ओ ई e गिवेन है गिवेन है के ओ गिवेन है कितना पंद्रह परसेंट तो हमने क्या कह दिया अब यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं मान लो वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या हो गया ई e वी अपन के ओ बता चलो ईवीआईटी e कितना है मेरा एक लाख है तो कितना हो गया वैल्यू ऑफ फॉर्म यही यही दिक्कत है सिक्स लैक्स सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सिक्स ठीक है सेकंड केस में हाँ तो बताओ ना मेरे को कैलकुलेट करके सेम होगा सिक्स लैक्स सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सिक्स इसे में भी क्या हो जाएगा सिक्स लैक्स सिक्स सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सिक्स कौन सा अप्रोच है एन ओवाई अप्रोच के डी क्या रहता है कॉन्सटेंट यहाँ क्रेडिट कितना है मेरा टेन परसेंट के वो क्या रहता है कॉन्सटेंट वैल्यू ऑफ फॉर्म पर कोई अफेक्ट होता है नहीं होता है ये देखो नहीं हो रहा है ना हमने कहा ऐसा कैसे हुआ डेट हमने बढ़ाया वैल्यू ऑफ फॉर्म पे इफेक्ट क्यों नहीं हुआ है ना क्यों नहीं हुआ अच्छा एक बार बताओ अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे हुआ? यही आ रहा है ना ठीक है ना यही है ना कितना है सेवनटीन पॉइंट वन फोर ट्वेंटी एंड ट्वेंटी सिक्स सही है ना का ये वैल्यू आ रहा है तो जरा गौर करिए क्या हो रहा है हमने क्या कहा था हमने हम, हम इसी बात को कह रहे थे ना एन ओ आई अप्रोच में क्या कह रहे थे कि क्या कांस्टेंट रहते हैं के डी एन के ओ ये दोनों क्या रख, रखना है हमारे को कांस्टेंट ये दोनों कांस्टेंट अगर हम आ, हमारा रहता है और के ई क्या होता है ये बढ़ जाता है जरा गौर करो बढ़ा ना बैठा तो हम क्या कहते हैं हैंड्स प्रूफ तो दिस इज योर एन ओ अप्रोच ये कौन सा अप्रोच है आपका अप्रोच है जहां आपको दिखेगा कि आपका केई क्या हो रहा होता है बढ़ रहा होता है अच्छा ये आपको इसका एग्जैक्ट आइडिया बेटर आइडिया तब मिलता है जब कम्पेरेटिव वैल्यूज होते हैं जैसे अभी हमारे पास क्या था कंपेरेटिव वैल्यूज था तो यू यू कैन सिंपली सी कि हमारा केई क्या हो रहा होता है बढ़ रहा होता है ये जो केई बढ़ रहा है ये क्या कर देता है ये ऑफसेट कर देता है किसके एडवांटेज को डेट के एडवांटेज को तो डेट से जो भी हमारा एडवांटेज हो रहा है ये इसको क्या करेगा ऑफसेट करेगा अच्छा रिवर्स में चलो जाना अब इसको उल्टा देखो अब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में बढ़ो अगर हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो जरा गौर करिए क्या हो रहा है अब क्या बढ़ रहा है इक्विटी बढ़ रहा है तीन लाख से पाँच लाख पाँच लाख से सात लाख इक्विटी बढ़ रहा है और किस चीज़ को हम कम कर रहे हैं डेट को कम कर रहे हैं अगर हम डेट को कम कर रहे हैं तो ये मेरे लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है डिसडवाटेज है है या नहीं है क्योंकि डेट क्या है सस्ता सोर्स है डेट क्या है सस्ता सोर्स है तो अगर मैं डेट को कम कर रहा हूँ तो मेरे लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है डिसएडवाटेज है तो ये मेरा जो डिसएडवांटेज है तो मैं कहता हूं कि सर ये जो डिसएडवांटेज है इसको कंपनसेट करेगा फिर से सेट ऑफ कर देगा कौन सेट ऑफ़ कर रहा है ये देखो तीन लाख से पाँच लाख गए तो रेट छब्बीस परसेंट से बीस परसेंट चला गया पाँच लाख से सात लाख गए तो रेट बीस परसेंट से सेवन सेवनटीन पॉइंट वन फोर परसेंट आया तो जब हम रिवर्स में जा रहे हैं तब हमें यह दिखता है कि जो एक्सपेक्टेशन है शेयर होल्डर्स की वो कम होती है तो मेरा के क्या, क्या होगा फॉल करेगा और जब के फॉल करेगा तो इस डिसएडवांटेज को हमने के, के रेट से क्या कर दिया सेट ऑफ कर दिया बात समझ में यानी कि अगर हम डेट के पोर्शन को बढ़ाते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है और अगर हम डेट के पोर्शन को घटाते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है मतलब डिग्री ऑफ लेवरेज का वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं है ये किसने कहा एनओआई ने और इसका सीधा उल्टा किसमें होता था एनआई में एनआई में वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या हो रहा था बढ़ रहा था लेकिन यहां क्या हो रहा है यहां हम कहते हैं कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है अब चलो जरा इलस्ट्रेशन नंबर चार पे आज ये इलस्ट्रेशन नंबर फोर देखो ऑपरेटिंग इनकम है कितना फाइव लैक्स द फॉर्म्स कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो टेन परसेंट है अभी कितना है उसके पास पंद्रह हजार ऑफ डेट है द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फॉर्म इज फिफ्टीन परसेंट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ द फॉर्म एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑपरेटिंग इनकम कितना है फाइव लैक्स ,00 मतलब ई आ गया ई कितना हो गया टेन परसेंट ओ कितना हो गया 15% परसेंट और कितना डेट है 15,000 टोटल वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव है ना ठीक है ईबीआईटी कितना है पांच लाख एडी 10 परसेंट के ओ के ओ इज आर फिफ्टीन परसेंट पहले क्या कैलकुलेट करने को कह रहे वी एफ और फिर कैलकुलेट करने को कह रहे हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी यही है ना तो हमने क्या कहा स्टार्ट किया ईबीआईटी कितना है मेरा पांच लाख ठीक है माइनस इंटरेस्ट आ गया तो क्योंकि कितना था हमारे पास डेट पंद्रह हज़ार डेट था पंद्रह हज़ार का कितना परसेंट टेन परसेंट तो फिफ्टीन हंड्रेड तो ई कितना हो गया एट फाइव डबल ज़ीरो हाँ तो वैल्यू ऑफ फॉर्म निकाल दो ना नहीं नहीं आप, आप हमेशा स्टेटमेंट तो शो करोगे ही ना वरना गलतियाँ होंगी बालक आप हमेशा आप स्टेटमेंट शो कर दोगे वर्किंग दिखा दोगे हाँ, दो मार्क का क्वेश्चन है हाँ तो एक साथ आप एक फ्लो में कर दो ना इस इत, अब इतना आसान क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं ना आपको बट मैं बार बार कहता हूं ना शॉर्टकट यूज मत करो गलतियां होंगी देखो अब ये इससे क्या फायदा हो रहा है तो मुझे खटक रहा है हाँ खटक रहा है ई बी आई लाख का है और डेट है मेरा पंद्रह का आपको नहीं खटक रहा है आपको नहीं लग रहा है कोई वैल्यू कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है है ना तो कितना हो गया फोर्टी नाइन एट फाइव डबल जीरो ये क्या आ गया मेरा ये मेरा आ गया ईबीटी अच्छा केओ इज गिवेन के ओ कितना है पंद्रह परसेंट वैल्यू ऑफ फॉर्म बताओ ई बी आई टी अपन केओ अरे एक सेकेंड थर्टी थ्री लैक्स ये मेरा क्या आ गया वैल्यू ऑफ फॉर्म ये आ गया ना मेरा वैल्यू ऑफ फॉर्म ये रहा वैल्यू ऑफ फॉर्म ठीक है वैल्यू ऑफ फॉर्म आ गया अब हमें क्या कैलकुलेट करना है सेकंड में कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो आपने कहा ऐसे कर देंगे सर के ओ प्लस के ओ माइनस के डी डी अपन ई ठीक है ऐसे हम क्या कर देंगे कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा के ई निकल जाएगा ठीक है कोई बात नहीं अब मुझे एक बात बताओ कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना है कितना है पंद्रह हजार ठीक है वी पता है मेरे को कितना है थर्टी थ्री लैक्स थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री तो क्या मैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकता हूं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना होगा थ्री थ्री वन एट माइनस कर दो मैं सीधा मार्केट वैल्यू ऑफ फॉर्म में क्या होता है वैल्यू ऑफ फॉर्म मत आया करो क्लास है ना वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी यही होता है ना वैल्यू ऑफ फॉर्म वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गया क्या निकल के आया मेरे को मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हम एक काम करते हैं पहले दिखा देते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमने कितना निकाला थॉर्टी थ्री वन एट थ्री थ्री ठीक है अब मेरे को के ही बताओ फिफ्टीन परसेंट आ रहा है आपको कैसे अच्छा गौर करो जरा इन्होंने क्या कहा सुनो इन्होंने क्या कहा आप लोग भी सुन लो हम कहते हैं सर इतना हम क्यों माथा पच्ची करें है ना और इसका क्या दूसरा तरीका हो सकता है कैलकुलेट करने का ये हमारा प्राइमरी मेथड होगा याद रखना बट क्या ऑल्टरनेट मेथड क्या है हमारे पास गौर करो ये है मेरा क्या ई बी टी ई बी टी कितना है फोर लैख नाइन्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड और हम जानते हैं कि अगर हम अगर हम वैल्यू ऑफ इक्विटी की बात करें अगर हम वैल्यू ऑफ इक्विटी की बात करें तो हम क्या कहते हैं अगर मैं आपको केई की बात करूं है ना तो के ई इज इक्वल टू क्या होता है तो आपने कहा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मतलब मेरा ई मतलब मेरा ई EB, बी मतलब मेरा ई माइनस इंटरेस्ट सबका मतलब एक ही है या इसी को हम बुला देते हैं क्या नेट इनकम इसे क्या बोला देते हैं नेट इनकम नेट इनकम अपन वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ इक्विटी क्योंकि वैल्यू ऑफ इक्विटी का क्या होता है फॉर्मूला वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है एनआई अपन के जो इन्होंने बोला अभी एनआई अपन के ये अल्टरनेट ऑल्टरनेट मेथड हो सकता है मतलब वैल्यू आपको ऑलमोस्ट सेम ही आएगा चेक तो करो परसेंट यही है ना सबका यू आर करेक्ट आंसर चेंज कर दो आंसर में गलती होगी आपका प्रोसेस सही होना चाहिए मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है ना के ओ प्लस के ओ कितना था के ओ हमारा 15% परसेंट था के ओ माइनस के डी के डी कितना था 10% परसेंट ना या 8%। परसेंट के डी हमारा 10% परसेंट था और डी कितना हो गया 15.02। दोनों मेथड से सेम आ रहा है देखो 15 प्लस 15 माइनस 10 फिफ्टीन थाउजेंड डिवाइडेड बाय थर्टी थ्री वन एट थ्री 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 वही आएगा वैल्यू सेम आएगा दोनों मेथड से <coughs> अब नाइनटीन पॉइंट जीरो नाइन से क्यों डिफर हुआ उस पर हम बात करेंगे ना अभी जो बुक में जो आपके बुक में मैंने जो आपका आंसर मेंशन किया हुआ है उससे डिफर क्यों हुआ उसकी हम बात करेंगे अभी ठीक है हो गया ना अब एक काम करो अब एक काम करो सब ध्यान देना अब एक काम करो सब ये आ गया मेरा वैल्यू ऑफ फॉर्म ठीक है डेट डेट को हमने यहां कितना कहा था ठीक है अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे ये हमारा प्रॉब्लम नंबर फाइव हो गया इसको कर दो प्रॉब्लम नंबर फाइव पॉइंट वन और ये वैल्यू लिख देना आपने जहां आपने सोल्यूशन किया ना अपने नोटबुक में वहां ये वैल्यूज लिख दो कि डेट आपका कितना मान के चल रहे हो आप फिफ्टीन का ठीक है, 15000 का डेट आप मान के चलो ये वैल्यू लिख दो तो ये एक नया क्वेश्चन बन गया और मैं इसको अब थोड़ा सा चेंज करूंगा देखो अब आते हैं 5.2 क्वेश्चन नंबर क्या हो गया मेरा ये 5.2 5.2 बुक में क्या है फाइव है मेंशन कर देना बुक में क्या है ये फाइव है अब चलो ईबीआईटी जो है आपका वो सेम रखो कितना था ईबीआईटी मेरा 5 लाख ईबीआईटी कितना रखो रखो कितना हो गया फाइव लैक्स के डी टेन परसेंट के ओ फिफ्टीन परसेंट ठीक है और जो डेट है आपका वो पंद्रह लाख ,00 का है डेट क्या है पंद्रह लाख ,00 का है अच्छा एक बात बताओ बालक हमने क्या कर दिया देखो कितने का फर्क ले आया हम पहले डेट कितना था पंद्रह हजार अब कितना ले जा रहे हैं पंद्रह लाख अब मेरे को एक बात बताओ कौन सा अप्रोच हम अभी देख रहे हैं एन वाई यानी कि अभी भी वी एफ क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए होना चाहिए ना क्योंकि वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा क्योंकि के ई क्या होने वाला है बढ़ने वाला है सेट ऑफ करेगा तो के ई को बढ़ते हुए देखो तो क्या के क्य ई बढ़ रहे सॉल्व करिए एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो क्या कहा हमने ईबीआईटी पांच लाख का ठीक है माइनस इंटरेस्ट अब इंटरेस्ट बदल जाएगा कितना हो गया एक लाख पचास हजार अब देखो मैजिक तीन लाख पचास हजार क्या हो गया ईबीटी तीन लाख पचास हजार क्या हो गया ईबीटी बी ये वो कितना है फिफ्टीन परसेंट है अपन के हो वीएफ क्या होता है हमारा अपन के हो तो कितना आ जाएगा वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब बढ़ना चाहिए क्या बढ़ रहा होगा के ही बढ़ रहा होगा चेक करो यही कैलकुलेट करो ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ फॉर्म अपन चलते हैं कैलकुलेशन पे वैल्यू ऑफ फॉर्म गिवेन है वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या है गिवेन है सो हम कहते नहीं वैल्यू ऑफ फॉर्म हम कैलकुलेट कर चुके हैं थर्टी थर्टी थ्री थ्री थर्टी थ्री वैल्यू ऑफ डेट गिवेन है वैल्यू ऑफ डेट क्या है कर दो. और पंद्रह लाख अठारह लाख थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री यही हुआ ना ये आ गया मेरा क्या ये आ गया मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी तो अब मेरे को के ही कैलकुलेट करना है दोनों फार्मूला से करो पहला फॉर्मूला क्या था के ओ प्लस के ओ माइनस के डी मल्टीप्लाइड डी अपन ई कितना आ गया आ गया आ गया ना नाइनटीन पॉइंट जीरो नाइन अच्छा खुश आज कर गया अच्छा आप एक काम करो करेक्शन कर लो शीट में पहले के कितना था पॉइंट जीरो टू अब के ही कितना हो गया उन्नीस परसेंट क्यों हुआ ऐसा क्योंकि हमने क्या बढ़ाया डेट बढ़ाया तो डेट से जो फायदा होगा वो इक्विटी ऑफसेट कर देगा और डेट से जो नुकसान होगा वो भी इक्विटी ऑफसेट कर देगा मतलब डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन का आपके वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं होगा